दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जुलोजी के यूनिट एट यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक इस यूनिट में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड एम इस वीडियो में आपको मिलेंगे सभी एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये जो आपका वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है सिलेबस में मेंशन जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखेगा तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेज ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आर गैम्बियंस फीवर तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा परजीवी है जिसके कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर गैम्बियंस फीवर होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लेस्मेनिया सेकंड ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा थर्ड है एंटेमिबा और लास्ट है ट्राइकोमोनास तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है सीसी फ्लाई इज ए वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस फॉलोइंग पैरासाइट ट्रांसमिट द इनफेक्टिव स्टेज तो जो स्लीपिंग डिजीज होता है वह सीसी फ्लाई वैक्टर के कारण होता है तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस वैक्टर द्वारा किस पैरासाइट को ट्रांसमिट किया जाता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है ट्रिपेनोसोना ग्बियंस अगला क्वेश्चन है ट्रिपेनोसोमिस इज ट्रांसमिटेड बाई कैरियर ऑफ ट्रिपेनोसोमा इन मैन इज तो आपको बताना है कि जो स्लीपिंग सिकनेस या फिर कह सकते हैं ट्रिपेनोसोमियसिस डिजीज़ है उसको ट्रांसमिट करने वाला कैरियर या फिर हम कह सकते हैं वेक्टर कौन है तो जैसा कि अभी पीछे हमने बताया था कि सीसी फ्लाई जो है इसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉड बाई ए निमेटोड्स यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो कि निमेटोड्स के कारण होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है फाइलिश तो जो फाइलेरिएसिस है यह वाउचेरिया नामक वॉर्म के कारण होता है जो कि निमेटोड्स का एक मेंबर है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है फाइलरियसिस इन इंडिया ट्रांसमिटेड बाई यानी कि जो फाइलीरेसिस डिजीज है वह भारत में किसके थ्रू फैलता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका सेकंड है एनाफिलेस थर्ड है क्यूलेक्स और लास्ट है एडिस तो आपको बता दें कि जो फाइलिशिस है या फिर जिसे हम हाथी पाव के नाम से भी जानते हैं ये फैलता है फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है अगला क्वेश्चन है फाइलिसिस इज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ तो आपको बताना है कि फाइलेरिया जो रोग होता है ये किसके इन्फेक्शन से होता है तो सिंपल सा है अभी आपको मैंने बताया था कि जो निमेटोड्स ग्रुप का वॉम वाँ है वाउचेरिया उसी के थ्रू होता है तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है द फैलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ तो आपको बताना है कि जो फैलेरियल लार्वा है यानी कि जो वाउचेरिया का लार्वा है वह संक्रमित व्यक्ति से कहाँ से कलेक्ट किया जाता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है पेरीफेरल ब्लड एट मिड नाइट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जी आर एक्सेप्ट यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है किसी एक को छोड़कर तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में स्टेटमेंट दिया गया है जी लैम्बिला कॉज हीमोलेटिक एनीमिया तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये स्टेटमेंट गलत है बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं अच्छा है चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है एलिफेंटियासिस इज ए कॉमन डिजीज इन तो आप सभी ने हाथी पाव डिजीज जरूर सुना होगा तो जो ये एलिफेंटियासिस डिजीज है यह कौन से रीज़न में अधिक देखने को मिलता है या फिर कौन से रीजन में मिलता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, है सब ट्रॉपिकल कंट्रीज सेकेंड है सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ तीसरा ऑप्शन है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ और लास्ट ऑप्शन है पोलर रीजन ओनली तो ये जो हाथी पावर डिजीज़ है या फिर इसे फाइलेरिया भी कहते हैं ये जनरली आपको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है द वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस इज यानी कि जो फाइलेरिया डिजीज है इसका वाहक कौन है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्किटो सेकेंड है फीमेल मॉस्किटो थर्ड है फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो और लास्ट है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो तो एलिफेंटियासिस का जो वाहक है वो है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है वाउचेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई यानी कि जो वाउचेरिया पैरासाइट है वह किसके थ्रू फैलता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सीसी -सी फ्लाई सेकेंड है एनाफिलस थर्ड है क्यूलेक्स और लास्ट है सेंट फ्लाई तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो एलिफेंटिएसिस डिजीज है या फिर जो फाइलेरिया है वो वाउचेरिया के थ्रू फैलता है और इसका जो वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मच्छर तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है माइक्रोफाइलेरी ड्यूरिंग नाइट रिसाइडिज इन यानी कि जो वाउचेरिया का लार्वा है माइक्रोफाइलेरी यह रात्रि में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके बॉडी में यह रात में कहाँ पर देखने को मिलता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डीप सीटेड ब्लड वेसल्स सेकेंड है पेरीफेरल वेसल्स थर्ड है कैवल वैन और लास्ट है मेसेंट्रिक वैन तो जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं वो बॉडी में जो पेरीफेरल वेसिल्स है यानी कि जो वेसिल्स के जो किनारे होते हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है वाईवी पेरिटी जनरली ऑकर इन यानी कि वाई वी पेरिटी आपको किसमें देखने को मिलता है तो वाईवी पेरिटी क्या होता है मैं आपको समझा दूँ कि ऐसे एनिमल जो कि बच्चे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाईवी पेरी यानी कि ये जो एनिमल होते हैं वो अंडे न देकर सीधे बच्चे देते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है वाउचेरिया चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइलेरिया इज लारवा ऑफ आपको बताना है कि जो माइक्रो लार्वा लारवा है ये इनमें से किसका है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टेप वाम सेकेंड है पिन वाम थर्ड है राउंड और लास्ट है फाइलेरियल वाम तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है फाइलेरियल वाम यानी कि वाउचेरिया का अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है फाइलि रिजल्ट एज ए वाउचेरिया ड्यू टू तो आपको बताना है कि जो वाउचेरिया से होने वाला रोग है फाइलिश इसमें क्या होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ब्लॉक लिम्फ ग्लैंड सेकेंड है ब्लॉक ब्लड कैपलरी थर्ड है ब्लॉक द वेन और लास्ट है ब्लॉक द आर्टरी तो इसमें फाइलेरिया में होता है क्या है कि जो लिम्फ ग्लैंड होती है वो ब्लॉक हो जाती है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर द प्लेस वेयर एडल्ट वाउचेरिया बैंक्रोफिटाई यानी कि जो वयस्क वाउचेरिया बैंक्रोफिटाई होती है वह कहाँ पाया जाता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन ह्यूमन ब्लड वेसल्स में सेकेंड ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड में थर्ड है मसल्स ऑफ क्यूलेक्स में और लास्ट है स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ क्यूलेक्स तो आपको बता दें कि जो एडल्ट वाउचेरिया बैंक्रोफिटाई होते हैं ये पाए जाते हैं ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड में तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है वाउचेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई यानी कि जो वाउचेरिया पैरासाइट है वो किसके द्वारा खोजा गया था आपके ऑप्शन है पहला है हक्सले सेकंड है मैंसन थर्ड है रॉस और लास्ट है लेवी तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मैंसन आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ वाउचेरिया टू न्यू होस्ट यानी कि जो वाउचेरिया है इसका जो फैलाव है नए होस्ट तक कैसे होता है यानी कि किस स्टेज में होता है आपके ऑप्शन है पहला है लार्वल स्टेज सेकेंड है इंसिस्ट स्टेज थर्ड है जुवेनाइल स्टेज और लास्ट है नन ऑफ द एव तो जो वाउचेरिया है इसके जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं वो जुवेनाइल स्टेज में नए होस्ट में ट्रांसमिट होते हैं तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है जुवेनाइल स्टेज चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है माइक्रोफाइलेरिया रिफर्स टू यानी कि माइक्रोफाइलेरिया का मतलब है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है फीमेल वाउचरिया सेकेंड है मेल वाउचरिया थर्ड है जुवेनाइल वाउचरिया और लास्ट है नॉन तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है जुवेनाइल वाउचरिया अगला क्वेश्चन है ए डाइजेनेटिक निमेटोड पैरासाइट इज यानी कि द्विपौषधि निमेटोड परजीवी है आपके ऑप्शन है पहला है फेस्क्योला सेकेंड है फाइलेरिया थर्ड है एनसाइक्लोस्टोमा और लास्ट है इंटरबे तो यहाँ पर जो डाइजेनेटिक निमेट्रोड है वो है फाइलेरिया जिसे हम बाउचेरिया के नाम से भी जानते हैं तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तो दोस्तों ये था एम जो कि आपके इन्फेक्सियस डिजीज जो कि आपके बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलोजी के एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव या फिर यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत